वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। दुल्हा नई जिंदगी का सपना देख रहा था और उसके दुल्हन बुन रही थी जाल। एक ऐसा जाल जिसमें प्यार में पागल दूल्हा फंस गया और जब इस जाल का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। देखिए एक लुटेरी दुल्हन की बेवफाई की बड़ी कहानी। जी हाँ, आज हम आपको कैसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस कदर एक दुल्हन ने अपने ही पति को लूटा और फिर निकल ली। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये सच्ची घटना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार लोग लुटेरी दुल्हनों के शिकार बनते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला एमपी के छतरपुर जिले से आया है जहां एक लुटेरी दुल्हन ने पहले तो एक व्यक्ति को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे जमकर पैसा खर्च कराया और इसके बाद महिला ने उससे शादी भी कर ली और फिर सारे पैसे और जेवरात लेकर फरार हो गई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला छतरपुर के महराजगंज थाना क्षेत्र के कुसमा गांव का है। अखिलेश के मुताबिक 2 साल पहले लॉकडाउन के समय उसे उषापाल नाम की लड़की से प्यार हुआ था। आरोपी उषापाल नाम की यह महिला छतरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान चलाती थी। सुबह के वक्त घूमने के दौरान दोनों की मुलाकातें होती थी और यही मुलाकात फिर धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। 2 साल तक वो मिलते जुलते रहे और अखिलेश बताते हैं कि 2 महीने पहले उन्होंने शादी कर ली थी। अखिलेश ने आगे बताया कि उसने आरोपी महिला को शादी के बाद घुमाने के लिए कई लाख रुपए खर्च किए हैं और तो और शादी के वक्त उसने अपने गांव की जमीन भी बेच दी थी। इसके बाद वो दोनों पुणे गए थे जहां कई दिनों तक घूमे और इस दौरान पीड़ित के लाखों रुपए खर्च हो गए। अखिलेश ने कहा कि वह अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हुआ था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं रहा कि इतना ज्यादा पैसा खर्च हो गया है। पीड़ित अखिलेश ने बताया कि शादी के कुछ दिनों तक सारी चीजें सामान्य थी। इसके बाद उसकी पत्नी उषा ने जेवरातों की मांग की। जेवर मांगने पर अखिलेश ने उसे सोने की चैन, कान की बाली और कुछ अन्य जेवर तक दिला दी। यहां तक इसके अलावा बैंक में जमा 2 लाख रुपए भी निकाल कर घर पे रख दिया। 12 दिन पहले दोपहर में पत्नी ने कुछ सामान लाने को कहा। जब अखिलेश वापस घर लौटा तो उसने देखा कि आरोपी उषा घर से गायब हो गई थी। साथ ही घर में रखे 2 लाख रुपए नगद और जेवरात भी बस साथ लेके चली गई। वही अखिलेश ने बताया कि उसे कुछ दिनों पहले इस बात का भी पता चला है कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। वही अब उषापाल ना तो उसके पास आ रही है ना ही उसकी नगदी और जेवरात वापस कर रही है। तो आप लोग भी ऐसे लुटेरे दुल्हन से सतर्क रहें और वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी तरीन ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे वीके न्यूज के साथ।